एक जमात अम्मा दी आयशा सिद्दीका दी पाक बारगाह विच आई, आगे कहन लगी अम्मा जी सानू अल्लाह दे नबी दी सीरत दसो, सानू अल्लाह दे नबी दा अखलाक दसो। हजरत जनाब अम्मा दी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, ओ मेरे पुत्रो अल्लाह दा कुरान पढ़िया जे। आखे अम्मा जी पढ़िया है? फरमाया कुरान पढ़ के भी अल्लाह दे नबी दा अखलाक मेरे को पुछदे हो? इस सारे दा सारा कुरान मेरे नबी दा अखलाक है, ये सारा कुरान ही मेरे नबी दा अखलाक है। व इन्नका लाला खुलुक अज़ीम, ये सारा कुरान ही मेरे नबी दा अखलाक है। वो जमाल लोग कहन लगे, अम्मा जी ये दसो अल्लाह दे नबी पखाना गाह विच किवें जांदे सन? हजरत जनाब अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अल्लाह दे पाक नबी तीन गल्लां उते अमल करदे सन। पहली गल ए, अल्लाह दे प्यारे नबी दाखल होण तो पहले पढ़दे सन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूथ वल खबाइस। दूसरी गल ए, अल्लाह दे नबी सज्जे खब्बे पैर नाल दाखल होंदे सन। ते तीसरी गल ए वे, अल्लाह दे नबी कपड़ा चुकते जांदे सन ते बैंदे जांदे सन। ते चौथी गल ए वे, सारी जिंदगी अल्लाह दे नबी पखाना गाह दे विच भी कदी सिरो नंगे गए ही नहीं। यार आख लो सुभान अल्लाह, सारे यार की हो चल। सारी जिंदगी अल्लाह दे पाक नबी पखाना गाह विच भी कदी सिरों नंगे गया ही नहीं। अजकल कई बंदे मसीते आके टोपी ला लेंगे, वह नंगे सिर ही पढ़ते हैं नमाज। मैं उन्हां दी गल नहीं पिया करदा जिहड़े घरों ते नंगे सिर होंदे ने पर आके टोपी पा के नमाज पढ़ते हैं। मैं उन्हां लोकां दी गल पिया करना भी घरों टोपी पा के आए ने ते नमाज पढ़न लगे अलग जेब विच पा लई तां जो उत्थे बहस शुरू हो जाए। हाँ जी, ए जी ये कितने लिखी है? मैं क्या जरा मुस्तफा पखाना गाह विच भी नंगे सिर ना जाए और रब की बारगाह विच किवें नंगे सिर आ सकता है? हाँ जी, अल्लाह अकबर। हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने फरमाया, एक गल होर भी है जी आखो ते मैं दसा। आखो फिर सुभान अल्लाह। हजरत जनाब अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अल्लाह दे पाक नबी इन्हां चों गल्लां उत्ते अमल करदे सन। जदों अल्लाह दे पाक नबी पखाना गाह विचों बाहर आंदे सन, फिर मैं जानी सां सफाई करन लई। हजरत जनाब अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने फरमाया, जदों मैं सफाई करन वास्ते जानी सां, मैं उत्ते वेखदी सां, मैं हैरान रह जानी सां, मैं वेनी सां उत्ते कुछ भी नहीं सी हुंदा। उथों ते मैनू कस्तूरी दी खुशबू आउंदी सी, उथों मैनू कस्तूरी दी खुशबू आउंदी सी। अल्लाह फरमांदा सी, जमीन मेरे नबी दा पखाना निकल जा। उंदी वजह कि अगर किसे बंदे दी नज़र मेरे महबूब दे पखाने उत्ते पै गई ते उंदे मत्थे उत्ते त्योड़ी आ गई, तेरा फरमांदा अंतहबत आमालुकुम, उंदे सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। इस वास्ते जमीन निकल जा। जमीन मुस्तफा दा पखाना निकल जाती सी और शुकराने विच कस्तूरी दी खुशबू पेश करती सी।